बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 लगातार सुर्खियों में बना हुआ है, लेकिन इस बार का ओटीटी सीजन कुछ ज्यादा ही चर्चा में है और उसकी वजह कोई और नहीं बल्कि अरमान मलिक और उनकी दूसरी बीवी कृतिका मलिक है। नमस्कार, मैं हूँ सौम्या शुक्ला। 24 घंटे लाइव रहने वाले शो में इस बार कुछ ऐसा हो गया कि हर कोई हैरान रह गया। दरअसल पिछले दिनों उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हुआ, जिसके बाद से उनको खूब ट्रोल किया जा रहा है और नौबत ये आ गई कि उनको शो से बाहर निकालने की मांग भी की जाने लगी। लेकिन मामला यही नहीं रुका, अब शिवसेना नेता मनीषा कायंदे ने बिग बॉस ओटीटी 3 को बैन करने की मांग की है। शिवसेना के एक विधान परिषद सदस्य मनीषा कायंदे ने सोमवार को रियलिटी शो बिग बॉस का प्रसारण बंद करने की मांग की है। मनीषा कायंदे ने दावा किया है कि शो के हालिया एपिसोड में कुछ ऐसा टेलीकास्ट किया गया जो बेहद अश्लील था। उनका आरोप है कि शो के जरिए अश्लीलता को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस मामले को लेकर उन्होंने तुरंत कार्रवाई के लिए मुंबई पुलिस कमिश्नर से मुलाकात भी की। सीपी के ऑफिस से निकलने के बाद उन्होंने कहा कि बिग बॉस में अश्लीलता परोसी जा रही है, परिवार के साथ आप उसे नहीं देख सकते हैं, अश्लीलता की हदें पार हो गई हैं। इसके बाद उन्होंने सवालिया अंदाज में कहा कि क्या आप जो कर रहे हैं वो सही है, ये शो बच्चे भी देख रहे हैं, क्या बच्चे ऐसे शो देख सकते हैं। वहीं अगर इस मामले में पायल जो कि अरमान मलिक की पहली बीवी हैं उनकी बात करें तो उनका कहना है कि ये जो भी वीडियो दिखाया गया वो बिल्कुल सही नहीं है, वो एक एडिटेड वीडियो है। एक वीडियो जो है अरमान की कृतिका की बहुत ज्यादा वायरल हो रही है और मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे। जब वो वीडियो मैंने देखी ना, मैंने एक मिनट में देख लिया कि वो वीडियो जो है एडिटेड है। अगर आप लोगों तक भी वो वीडियो पहुंची है तो ध्यान से उसमें देखना। बिग बॉस हाउस में मैं रह के आई हूँ, 8-9 दिन रह के आई हूँ, तो मुझे बिग बॉस हाउस का चप्पा चप्पा पता है कहाँ क्या है क्या नहीं। तो जो बेड दिखाया गया, बेड के ऊपर दो लैंप दिखाए गए हैं ऐसे करके। फर्स्ट ऑफ ऑल ऊपर लैंप नहीं है, ऊपर सिर्फ एक कमरा है और कैमरा है और लाइट है, कोई लैंप नहीं है। लैंप जो है आपके बेड के साथ में इधर है, ठीक है, और उसमें जो लैंप है यहाँ दिखाए गए। दूसरा रजाई अगर आप चेक करेंगे तो वो रजाई नहीं है जो हम लोग ओढ़ते। दूसरा इतनी तरीके से उसको एडिट किया गया है, इतनी तरीके से कि कोई इंसान ज्यादा अगर या तो उस घर में रहा है तो वो पहचान सकता है, या फिर उसे आराम से ध्यान से देखो आप, तब आपको पता लगे। इतना ही नहीं, इससे पहले पायल ने एक वीडियो शेयर किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि वो जल्द ही अपने बच्चों को लेकर अरमान से अलग हो जाएंगी। आप भी सुनिए पायल ने क्या कहा। ऐसा लगता है कि सारी चीजें हमारे बच्चों के ऊपर आ रही है और मैं ये सोच रही हूँ कि इतना सब कुछ सहन करने से अच्छा है कि ना गोलू और अरमान के आने के बाद ना मैं बच्चों को लेके अलग हो जाऊँ। वो अंदर अपने गेम में खेल रहे हैं, उनको टेंशन नहीं है, पर मुझे दिन रात टेंशन हो रही है। घर संभालो, बच्चे संभालो, लोगों को संभालो, सारी चीजें खराब। दरअसल अरमान मलिक और कृतिका मलिक पति पत्नी है और बिग बॉस ओटीटी 3 में बतौर कंटेस्टेंट गए थे। इस शो में अरमान मलिक की पहली बीवी पायल मलिक भी गई थी, लेकिन वो शो से बाहर हो गईं, जिसके बाद लगातार पायल ट्रोलर्स को जवाब दे रही हैं। लेकिन पायल के वीडियोस देखकर लग रहा है कि अब वो भी थक चुकी हैं और उन लोगों का बिग बॉस में जाना एक गलत डिसीजन था। लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या वाकई बिग बॉस बंद होगा या जो वीडियो वायरल हो रहा है वो सही में एक एडिटेड वीडियो है। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।